बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सतगुरु महाराज। प्राणधार आत्मसंबंधी सुंदर सच। कल की चर्चा में हमने सुना कि किस प्रकार श्री देवचंद्र जी को राज्य का तीसरी बार दर्शन होता है, किस तरह राजजी और देवचंद्र जी के बीच में वार्तालाप होती है, कैसे उनके हृदय धाम में विराजमान हो जाते हैं, कैसे श्यामा जी के द्वारा तारतम की पहली चौपाई का अवतरण होता है, किस तरह से जागनी की लीला प्रारंभ होती है, किस प्रकार सबसे पहले गांगजी भाई और उनका परिवार सुंदर साथ में शामिल होते हैं, कैसे गांगजी भाई श्री देवचंद्र जी की सेवा करते हैं, किस प्रकार गांगजी भाई जी की सेवा के द्वारा अब सब सुंदर साथ लाभ लेते हैं, और इसी जागनी के क्रम में अब हमने मिहिर राज्य के लौकिक परिवार के बारे में संक्षेप में सुना, और आगे देवचंद्र जी और मिहिर राज जी के मिलाप की भूमिका बता रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि मिहिर राज जी के घर तक श्री देवचंद्र जी की जागनी लीला की बात पहुंची, तो उसके विषय में बता रहे हैं कि मिहिर राज जी के घर में मिहिर राज्य के जो भाई हैं हरिवंश ठाकुर, उनकी पत्नी का नाम है मेघबाई। कैसे कनेक्शन जुड़ा, कैसे संबंध जुड़ा, उसकी बात बता रहा। मिहिर राज्य की भाभी हुई मेघबाई, और मेघबाई जी की जो भतीजी है उनका नाम है अजबाई। अजबाई का विवाह हुआ था श्याम जी के साथ, जो कि गांगजी भाई जी के पुत्र हैं, तो स्वाभाविक है कि गांगजी भाई जी के घर में श्री देवचंद्र जी के द्वारा हो रही आड़ी का लीला को वे प्रत्यक्ष देख रही थी, श्री देवचंद्र जी के द्वारा हो रही चर्चा का वो प्रत्यक्ष रसपान कर रही थी। तो जब अपनी बुआ के घर आती हैं, मेघबाई जी के पास आती हैं, तो आकर के कहते हैं कि देखिए गांगजी के घर में राज की मेहरबानगी आई, मेहरबानगी अर्थात कृपा, कि राजजी की किस प्रकार कृपा वर्षा हो रही है गांगजी भाई के घर में, और कृपा कैसे होती है, राज नित देवे दीदार आरोग्य बेर तिन वस्ता आगे अरोगते आज क्यों फीकी खारी किन। राजजी दर्शन देते हैं, तीनों बार जब भोजन का समय होता है, जब भोग लगाया जाता है, तो राजजी प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर के भोग तो ग्रहण करते ही हैं, साथ में ये भी पूछते हैं कि आज नमक कम है तो क्यों है, अगर ज्यादा है तो क्यों है, ये सारी बातें राजजी करते हैं। ये एक तरह से चमत्कारी लीला है, आड़ी का लीला है, जिसकी खबर अजबाई जी के द्वारा मेघबाई जी तक पहुंचाई जा रही थी, और साथ में क्या बताती हैं कि तंबोल दे आरोगते और मिठाई कई भांत जमुना जल अलाखल चल दिखावे एकांत। श्री देवचंद्र जी की चर्चा में राजजी प्रकट होते हैं, अनेक तरह की मिठाइयों को वो ग्रहण करते हैं प्रेम भाव से, पान का बीड़ा ग्रहण करते हैं। जब देवचंद्र जी चर्चा में परमधाम की यमुना जी का वर्णन करते हैं, तो यमुना जी की जो कलकलाहट है, नदी के बहने की आवाज़ जो होती है, वो यमुना जी की कलकलाहट सुनाई पड़ती है। इसी तरह से एक दिन तो क्या हुआ, एक सुंदर साथ हैं हीरबाई, वे भोजन बना रही थी, और जो कसेड़ी होती है, कसेड़ी मतलब एक तरह का पात्र होता है,
जिसका हत्था जिसमें पकड़ करके बर्तन को चढ़ाया या उतारा जाता है चूल्हे पर से, तो वो टूट गया था और इसमें उनका हाथ जल गया था। तो राज्य ने क्या किया, कंचन की सोने की कसेड़ी दी, सोने का बर्तन दिया। और किसी दिन कुछ देते हैं, किसी दिन कुछ देते हैं, इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार की चमत्कारी लीला की बात थी जो अजवाई ने अपनी बुआ मेघबाई को सुनाई। अब सामान्य रूप में क्या होता है कि महिलाएं या माताएं जो भी देखी हुई बात होती है उसकी बात आपस में करते हैं कि हमने आज ऐसा देखा। पुरुषों में ये चीज़ कम होती है, पुरुष देखेंगे छोड़ देंगे, अरे क्या करना है, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। महिला उसके विषय में बात करती हैं। तो अजवाई जी ने जब बताया, मेघबाई जी ने सुन तो ली, लेकिन उनको ऐसी बात पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि अविश्वसनीय सी ही बात थी कि किस तरह से ऐसा कैसे हो सकता है। जब विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने अपने देवर गोवर्धन जी को कहा कि गोवर्धन जी आप देख करके आओ और जा करके खबर लेकर के आओ कि क्या वास्तव में ऐसा होता है। गोवर्धन जी को जब ये काम सौंपा गया, गोवर्धन जी ने अपनी पत्नी को कहा, उनकी पत्नी का नाम है पद्मा, गोवर्धन जी की पत्नी का नाम है पद्माबाई। अब पद्माबाई जाती हैं, जाकर के देखती हैं और कहती हैं कि हाँ जैसा वर्णन अजवाई जी ने किया वैसा मैंने भी गांगजी भाई जी के घर में देखा, वैसी लीला मैंने देखी। अब गोवर्धन जी को थोड़ा विश्वास हुआ, गए जाकर के श्री देवचंद्र जी के चरणों में प्रणाम की और कहते हैं मैं शरण तुम्हारे आया जगावने आत्म, मैं क्यों आया हूँ, अपनी आत्मा को जगाने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। और ये बात कब की है, विक्रम संवत 1687, कार्तिक का महीना है। और वहाँ से अब कहते हैं यहाँ से थी उदय भई, उदया मूल अंकुर, मूल अंकुर वहाँ से उजागर हो रहा है 87 के कार्तिक के महीने से। मिहिर राज जी के और श्री देवचंद्र जी के मिलाप की भूमिका बन रही है। अब उसी समय क्या हुआ कि एक घटना ऐसी घटित होती है जो कि और भी चमत्कारी थी। देवचंद्र जी की चर्चा से जो गांगजी भाई के घर पर हो रही थी, जब सब लोग देवचंद्र जी की चर्चा सुनने आने लग गए गांगजी भाई के पास, तो जो पुराने कथावाचक थे पहले के, उन्होंने सोचा कि ये तो सब देवचंद्र जी के पास जा रहे हैं, हमारे पास तो कोई आ नहीं रहा है। उन्होंने चुगली कर दी कोतवाल के पास और चुगली में क्या कहा कि ये तो पुरुष और स्त्री एक साथ बैठते हैं और तुम इसकी खबर क्यों नहीं लेते हो। आज के समय में भौतिकता थोड़ी आगे है और शिक्षा का थोड़ा और प्रचार है, तो पुरुष और स्त्री में भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन मध्यकालीन युग ऐसा था कि पुरुष और स्त्री को एक साथ बैठने की भी अनुमति नहीं थी और ऐसा कहा जाता था कि स्त्रियां यदि वेद मंत्र को सुन ले, गायत्री सुन ले, तो उसके कान में सीसा पिघला करके डाल देना चाहिए। स्त्री और शूद्र के विषय में ऐसा कहा जाता था कि ये अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण कर ले तो इनकी जिह्वा काट ली जाए, और यदि गायत्री मंत्र सुन लेते हैं या वेद मंत्र सुन लेते हैं तो इनके कान में सीसा पिघला करके डाल दिया जाए, हमेशा के लिए बहरा कर दिया जाए। मध्यकाल में वेद में ऐसा नहीं लिखा, ना उपनिषद दर्शन किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है। उपनिषदों में तो विदुषियों का वर्णन आता है, गार्गी, अपाला, घोषा, कात्यायनी, मैत्रेयी, ऐसी ऐसी विदुषियों का वर्णन आता है।
आप सबने कालिदास के विषय में सुना है, कालिदास की पत्नी विद्युत्तमा का वर्णन आता है कि वो कितनी बड़ी विदुषी थी कि उन्होंने अपने समय के सभी पंडितों को हराया था और पंडितों ने अपनी हार का बदला लेने के लिए कालिदास जी जैसे उस समय जो मूर्खता की पराकाष्ठा थे उनसे विवाह कराया था। हाँ, बाद में निरंतर अभ्यास से वो भी विद्वान बने, पर विद्युत्तमा की विद्वत्ता तो देखिए। एक समय था जब भारती जैसी विदुषी थी हमारे समाज में, तो ये कौन है? अपाला, घोषा, मैत्रेयी, कात्यायनी, गार्गी, मदालसा, ऐसी ऐसी विदुषियों का एक समय था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उस समय के वाममार्गी और तथा कथित जो ज्ञानी ब्राह्मण पंडित थे, वास्तविक विज्ञानी नहीं तथा कथित स्वयंभू जो थे, उन्होंने क्या किया कि जितने अधिक लोग ज्ञानी होंगे हमारा व्यवसाय उतना ही कम चलेगा, इसलिए ज्ञान कम लोगों को दो जिससे कि सब लोग हमसे बंधे रहें। जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो अपनी रेसिपी को छिपा करके रखना चाहती है ना। अब आज तो पहले की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी कई चीज़ें छिपाई जाती है। ये जो थे ये भी ज्ञान को छिपाने में विश्वास रखते थे। उन्होंने सोचा कि स्त्री को यदि अज्ञानी बनाया जाए तो स्त्री का मतलब क्या हो गया, 50%, लगभग 48, 49, 50, इनमें से कोई ना कोई तो होगा, तो आधा समाज अशिक्षित हो जाएगा। और जब स्त्रियां अशिक्षित होंगी तो क्या होता है, एक कहावत कही जाती है कि पुरुष शिक्षित होता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, और स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, क्योंकि हर मनुष्य की पहली गुरु उसकी माता होती है। इसीलिए माता को, नारी को निर्मात्री भवती कहा जाता है। मनुस्मृति में वैसे ही नहीं कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वास्तविक वैदिक युग में, उपनिषद काल में स्त्रियों का बहुत सम्मान था, लेकिन बाद में ये नियम बना दिया गया कि स्त्रियां अज्ञानी रहें। स्त्रियां अज्ञानी रहेंगी तो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ज्ञान से विहीन हो जाएगा, और ज्ञान के लिए, हर छोटे बड़े काम के लिए इन्हें हम पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने स्त्री वर्ग को और शूद्र को सोचे कि अब कितना बड़ा वर्ग, और धीरे धीरे करके बाद में इन्होंने और भी नियम बना दिए कि ब्राह्मण के अलावा दूसरा कोई वेद नहीं पढ़ सकता। इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के नए नए नियम बनाते गए, और उन नियमों को समाज डर के कारण मानता रहा। धर्म के नाम पर डर दिखाया, मंत्रों का गलत अर्थ किया गया, उपनिषदों के प्रसंग का गलत अर्थ किया गया, और ये परंपरा चली आ रही थी। जबकि वास्तविकता ये है कि ये जो वेद का आगमन हुआ है, वेद का आगमन स्त्री पुरुष और सभी वर्णों के लिए, सभी वर्गों के लिए हुआ है। ज्ञान सबके लिए है, लेकिन मध्यकाल में ये परंपरा थी, और आज भी भारतवर्ष में कई जगहों पर मैं कार्यक्रम के सिलसिले में जाता हूँ, प्रचार प्रसार के सिलसिले में जाता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि वहाँ पर जैसे किसी घर में कार्यक्रम हो रहा हो घरेलू, तो वहाँ माताएं कोने में बैठी रहेंगी पूरा घूंघट करके, और पुरुष आगे आकर के बैठे रहेंगे अलग, कभी वो साथ में दिखते ही नहीं हैं, बात भी नहीं करते हैं। और इन सब के पीछे जो मध्यकाल में वाममार्गी थे या ऐसे पंडित थे तथा कथित, उन्होंने क्या बताया, ये कहते हैं कि स्त्रियां जो होती हैं वो नरक का द्वार होती हैं, ऐसा ये कहते हैं। आप सोचिए कि जिस स्त्री ने तुम्हें 9 महीने पर, 9 महीने तक गर्भ में रखा हो, यदि वो नरक का द्वार है तो तुम उसी नरक के द्वार में से पैदा हो गए हो। लेकिन कुछ लोगों ने अर्थ का अनर्थ किया,
बिना समझे कुछ भी बोल दिया। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ प्रमाण देता हूँ कि स्त्रियों के बारे में किस किस महापुरुष का क्या क्या कथन है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था अपने शिष्यों से कि मेरे संघ में, उनका जो संगठन था, मेरे संघ में मैंने जो नियम बनाए हैं, तो मैंने ऐसा धर्म चलाया था कि 5000 वर्षों तक चलता, लेकिन स्त्रियों के प्रवेश से अब मेरा धर्म केवल 500 सालों तक चलेगा। लेकिन इसके पीछे कारण क्या था? क्या केवल स्त्री दोषी है? क्योंकि बहुत सारे जो तथाकथित उस समय के भिक्षु थे, वे भी पूर्ण वैराग्य के कारण साधु नहीं बने थे। वे या तो देखा देखी की वजह से बने थे, या सामाजिक दबाव की वजह से, पारिवारिक दबाव की वजह से साधु बने थे। अब जब अंदर साधुता नहीं होगी और बाहर से केवल वेशभूषा पहनी होगी, तो क्या होगा कि जहां थोड़ी सी ढिलाई दिखी तो वहां बहकने की संभावना होगी, और स्त्रियों के प्रवेश से भिक्षियों के अंदर वो आकर्षण, वो जो वासना अंदर दबी हुई थी, वो प्रज्वलित हो गई। तो इसमें स्त्रियों को केवल दोष क्यों दिया गया? इसी तरह से चाणक्य ने भी अपने अनुभव के आधार पर यह कहा कि पुरुष का भाग्य और स्त्रियों का चरित्र देवता भी नहीं जानते तो मनुष्य की क्या बात है। पर क्या केवल स्त्री का ही चरित्र ऐसा है? क्या पुरुष के चरित्र ऐसे नहीं होते कि इस दुनिया को पता नहीं होता है? तो होता तो दोनों एक जैसा है, लेकिन चाणक्य का अपना अनुभव रहा होगा। आप चाणक्य की बात को ब्रह्म वाक्य तो नहीं कह सकते ना। वो एक नीतिकार है और नीति देश काल परिस्थिति समय के अनुसार बनती है, उनका अनुभव ऐसा रहा होगा। इसी तरह से भर्तृहरि के अपने खट्टे मीठे अनुभव थे स्त्री जाति के प्रति, उन्होंने अपनी बात कही। शंकराचार्य जी ने अपनी बात कही, पर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता वो है जो वेद का कथन है, वास्तविकता जो है ब्रह्मवाणी का कथन है, वास्तविकता वो है जो विज्ञान कहता है। विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, भौतिक विज्ञान की दृष्टि से, तो स्त्री और पुरुष में शरीर की बनावट का अंतर हो सकता है। शरीर की बनावट के आधार पर यह भी हो सकता है कि किसी काम को करने में पुरुष अधिक सामर्थ्यवान हो, लेकिन इससे दोनों की योग्यता का आप आंकलन नहीं कर सकते। ये तो ऐसी ही बात हो जाएगी, जैसे मान लीजिए एक साधारण सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो स्त्री को अबला कहा जाता है, ठीक है? स्त्री अगर अबला है तो पुरुष अपने आप को सबल कहता है, पौरुष कहता है, मर्द कहता है, लेकिन उसकी तुलना कैसे की जाती है कि एक पुरुष एक सिलेंडर को आराम से उठा सकता है, स्त्री नहीं उठा सकती, इससे आप तुलना करने लग गए। एक पुरुष हो सकता है कि अपने से बराबर वाले पुरुष के साथ लड़ाई करे, पर एक स्त्री उतने ही बल वाले पुरुष के साथ नहीं लड़ सकती। सामान्य नियम की मैं बात कर रहा हूं। तो आप यदि ऐसे तुलना करेंगे तो ये तो ऐसी ही बात हो गई कि जंगल में प्रतियोगिता हुई, और प्रतियोगिता में कौन सा जानवर सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली है, उसकी योग्यता का आंकलन किया गया कि कौन सबसे पहले पेड़ पर चढ़ता है। यदि आप पेड़ पर चढ़ने की सामर्थ्य को देखकर किसी जानवर की प्रतिभा का आंकलन करेंगे तो बंदर हमेशा प्रथम आएंगे, बंदर हमेशा महान कहलाएंगे। फिर उन मछलियों का क्या? अगर आप मछली और बंदर की आपस में तुलना करोगे कि मछलियां जो है वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाती, तो आपका आंकलन करने का तरीका गलत है, आपका मूल्यांकन करने का तरीका ही गलत है। मैं कहता हूं कि यदि स्त्री अबल है, अबला है, आपको पता है इंसान को सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? पुरुष को सबसे ज्यादा दर्द कब होता है?
इस दुनिया में दर्द को अलग अलग तरीकों से अगर नापा जाए तो सबसे पहले नंबर पर आता है जिंदा जलने का दर्द। वो सबसे पहले नंबर पर है, जिंदा जलने में सबसे अधिक पीड़ा होती है। उसको हटा दिया जाए तो सबसे अधिक जो पीड़ा होती है वो होती है हड्डी टूटने में। कटने में इतनी ज्यादा नहीं होती है, हड्डी टूटने में सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। और एक पुरुष कितनी पीड़ा सहन कर सकता है? 7 या 8 हड्डियों के टूटने के दर्द तक को एक पुरुष सहन कर सकता है। मतलब दर्द तो होगा पर सहन करेगा, जिंदा रह जाएगा। उससे ज्यादा होगी तो हो सकता है कि दर्द की अधिकता से मर भी जाए। और आपको पता है, मैं एक विज्ञान की बात बता रहा हूँ, भौतिक विज्ञान की। एक स्त्री जब बच्चे को जन्म दे रही होती है, नॉर्मल डिलीवरी में जब बच्चे को जन्म दे रही होती है, तो एक साथ 32 हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द होता है, जिसको सहन करके स्त्री एक जीवन को धरती पर लाती है। और वही थोड़ा बड़ा हो, थोड़ी जुबान चलने लायक हो, थोड़ी बुद्धि चलने लायक बनाए, और फिर वही पुरुष स्त्री को कहे कि ये नरक का द्वार है, या स्त्री को कहे कि इसे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो मेरे दृष्टि में उससे बड़ा कृतघ्न और कोई नहीं है। पर मध्यकाल में ऐसा प्रचलन था। हो सकता है उसके भी कुछ कारण रहे होंगे, पर कारण के हट जाने पर कार्य को समाप्त हो जाना होता है। मध्यकाल में घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा इत्यादि का कुछ कारण था। कारण ये कि मुस्लिम जो आक्रांता आते थे तो स्त्रियों का अपहरण करके लेके जाते थे, सुंदर सुंदर स्त्रियों का अपहरण करके लेके जाते थे। इसलिए रूप न दिख सके, इसलिए उनको पर्दे पर रखा गया। पर पर्दे पर रखना समाधान नहीं था। समाधान क्या था? उन्हें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह बनाया जाता, उन्हें दुर्गावती की तरह बनाया जाता। ये वास्तव में समाधान था। उन्हें या तो पद्मावती की तरह बनाया जाता। तो इस प्रकार जब मध्यकाल में स्त्री और पुरुष साथ में नहीं बैठ सकते थे, इसी बात का मुद्दा बनाकर कोतवाल के पास ये बात पहुंचाई गई कि स्त्री और पुरुष साथ में बैठते हैं। कोतवाल ने 2 सिपाहियों को, 2 सैनिकों को भेजा कि जा करके पता लगा करके आओ। उन 2 सैनिकों के साथ में चुगलखोर आया, आकर के दूर से ही दिखाया, रात्रि का समय था, दूर से ही दिखाया कि वो सामने जिस घर में दिया जल रहा है, दीपक जल रहा है, वही घर है गांगजी भाई का। अब दोनों सैनिक उस दिए वाले घर को ढूंढने के लिए निकलते हैं, दिए वाले घर में पहुंचने के लिए। चलते चलते पूरी रात वो चलते रहते हैं, लेकिन घर तक पहुंचते ही नहीं है। और उनमें से 2 सैनिकों में से एक तो नौतनपुरी से 12 कोस दूर अलग गांव में पहुंचा। सोचिए कि कितने घंटे वो चलता रहा होगा। लगभग 10-12 घंटे चला है वो पूरी रात। सुबह धरोल नाम के स्थान पर वो पहुंचा है, और वहां सुबह सुबह पानी भरने के लिए जो पनिहारी नाई थी उससे पूछता है कि यहाँ पर गांगजी भाई का घर कौन सा है। अब उसे तो पता ही नहीं है कि वो रात भर चला है, और जो पानी भरने के लिए आई है स्त्री, उनको गांगजी भाई नहीं पता। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन से गांव में आए हो, तुम्हें किसके घर जाना है? तो कहते हैं कि जामनगर नहीं है। अब जो पहला सैनिक है वो समझ गया कि चुगलखोर ने कोई तो गड़बड़ी की है, जिसकी वजह से मैं इतना दूर आ गया हूँ, और घबरा गया ये सोच करके कि मैं इतने दूर आया हूँ। अब होता क्या है,
जो जामनगर के लोग हैं उनके हिसाब से तो ये सैनिक है, पर जब दूसरे गांव में पहुंचा तो वहां तो चोर भी समझ सकते हैं, क्योंकि क्या फर्क है, किसी के माथे पे थोड़ी लिखा होता है कि चोर है कि सिपाही है। और अच्छा हुआ रात को मुझे किसी ने नहीं मारा। और दूसरी बात कि कभी कभी तो एक दूसरे के गांव में दुश्मनी भी होती थी, अभी भी होती है, और अकेला व्यक्ति वहां चला जाए और अपने हथियार के साथ में, तो ये सारी उसने आशंकाएं मन ही मन सोची और कहता है कि ये तो चुगलखोर ने मुझे मरवा ही दिया था। वहां से वापस लौटा, बेचारा जितना रात को चला है वापस भी तो उतना ही चलना पड़ा उसको, है कि नहीं? 12 कोस यदि रात भर चला है तो अगले दिन भी उसको पूरा दिन चलना पड़ेगा, और अगले दिन वो रात को पहुंचा होगा वापस अपने गांव में। अब दूसरे सैनिक के साथ क्या हुआ? दूसरा सैनिक भी दीपक के पीछे पीछे वो जाता रहा। वो जितना चलता है दीपक भी उसको उतनी ही दूरी पर दिखाई पड़ता है। ये तो दीपक न होकर के मृगजल जैसा हो गया है, मृग तृष्णा का जल हो गया कि जितना भी निकट जाए उतना ही दूर जान पड़ता है। सुबह हुई, उजाला हुआ, तो वो क्या देखता है कि वो तो रात भर एक कुएं के पास घूम रहा है। अब उसने सोचा कि ये चुगलखोर, मुझे लगता है, हमें लगता है कि इस चुगलखोर की दुश्मनी गांगजी भाई से नहीं हमसे होगी, तभी इसने दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा किया है। अब दोनों सैनिक दो वापस मिले आपस में तो कहते हैं कि चुगलखोर ने तो हमें मरवाने की ही कोशिश की थी। जाकर के कोतवाल से कहते हैं कि कोतवाल साहब, अगर वो चुगलखोर मिला तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे मार डालेंगे, उसकी हम गर्दन उड़ा देंगे। कहते हैं, आए कोतवाल से कहया बातें करी बनाए, जो चुगल हमको मिले तो मारे गर्दन ताए, हमको इन चुगल ने मार डारे आज, जागा ऐसी बताई सूझे ना कोई काज, ऐसी जगह बताई कि कुछ सूझ ही नहीं रहा था। इस प्रकार ये एक और चमत्कारी लीला हुई। अगर वे दोनों सैनिक गांगजी भाई के घर पर पहुंचते तो वहां वो देखते कि स्त्री पुरुष सभी बैठ करके चर्चा सुन रहे हैं। मैंने जब स्त्री के विषय में, नारी शक्ति के विषय में कहा तो मैंने कहा था कि ब्रह्मवाणी स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करती। वाणी क्या कहती है? नर, नारी, बूढ़ा, बालक, जिन इलम लिया मेरा बूझ, तिन साहेब कर पूजिया अर्श का एह गुज। चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, चाहे वृद्ध हो चाहे बालक हो, नर नारी बूढ़ा बालक, चाहे पुरुष चाहे स्त्री हो, चाहे वृद्ध हो चाहे बालक हो, देह की दृष्टि से नहीं अपितु आत्मा की दृष्टि से। क्या कहती है वाणी? आत्म सहुनी एकज दिशे जुजवीते दिशे देह। देह भले ही भिन्न भिन्न हो लेकिन ब्रह्मवाणी हमें आत्मिक दृष्टि से देखने की बात कहती है। और सनातन परंपरा में भी जाति के नाम पर, स्त्री और पुरुष के नाम पर भेदभाव करने की अनुमति नहीं है। क्या कहा गया है? धर्मग्रंथ क्या कहते हैं कि चाहे किसी भी वर्ण में उत्पन्न व्यक्ति हो, और मनुष्य ही नहीं अपितु चाहे हाथी हो, चाहे चंडाल हो, चाहे कुत्ता हो, भिन्न भिन्न प्राणियों में भी हमें एक ही जैसी चेतना को देखना चाहिए। इस तरह की शिक्षा हमारे धर्मग्रंथ देते हैं। तो अब दोनों साथ में बैठ करके चर्चा सुन रहे हैं। यदि उस समय पकड़े जाते, उस समय यदि सैनिक देखते कि हाँ यहाँ पर दोनों स्त्री और पुरुष इकट्ठा होकर के ज्ञान चर्चा करते हैं, तो हो सकता है कि वो गांगजी भाई जी को गिरफ्तार करते या करने की कोशिश करते, या देवचंद्र जी के ऊपर कोई आँच आती। पर राज्य की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसी अनेक चमत्कारी घटनाएं वहां पर हुई, जिनमें से हर कोई तो इसको नहीं समझ सकता है,
जिनको राज्य के स्वरूप की पहचान है वही इस बात को समझते हैं। अब इधर मिहिर राज्य की मिलने की जो भूमिका कल हमने संक्षेप में सुनी थी, आज भी हमने प्रारंभ में सुनी। श्री लालदास जी लिखते हैं कि सब भाई भेले रहत हैं, सामल जी तन में सिरदार, बड़ा गोवर्धन कहया जो धाम लीला में खबरदार। तन की दृष्टि से कौन अग्रगण्य है? सांवल्य ठाकुर। लेकिन परमधाम की लीलाओं में सबसे पहले गोवर्धन जी गए थे, इसलिए आत्मिक दृष्टि से गोवर्धन जी को बड़ा कहा गया। आत्मिक दृष्टि से उन्हें बड़ा कहने का तात्पर्य ये नहीं कि किसी आत्मा की उम्र कम है, किसी की ज्यादा, ऐसा नहीं है। आत्मिक दृष्टि से बड़ा कहने का तात्पर्य कि आध्यात्मिक उन्नति के राह पर गोवर्धन जी सबसे पहले चले थे पांचों भाइयों में, इसलिए उन्हें बड़ा कहा गया। अब सबसे पहले गोवर्धन जी गए, देवचंद्र जी से भेंट की, देवचंद्र जी का दर्शन किया, चर्चा सुनी। और अब मिहिर राज जी जब अपने घर में सुनते हैं उस चर्चा की बात, उन आड़ी का लीलाओं की बात, अब अंदर तो अंकुर है ही परम धाम का। ब्रह्म सृष्टियों के लिए तो क्या कहा जाता है कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टि एक शब्द सुनकर के भी पहचान कर लेती है, एक शब्द सुनकर के भी समर्पित हो जाती है। तो इसलिए अब मिहिर राज जी गोवर्धन जी को कहते हैं कि आप मुझे भी लेकर के जाइए। गोवर्धन जी कहते हैं कि जब तक सद्गुरु की आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं आपको लेके नहीं जा सकता। ऐसे करते करते कुछ दिन व्यतीत हुए, 6 दिन तक वो कोशिश करते रहे लेकिन भैया लेकर के नहीं जा रहे हैं। तो एक दिन उन्होंने, जब उनकी उम्र 12 वर्ष 2 महीना और 10 दिन की अवस्था थी, अब गोवर्धन जी के साथ साथ वो भी चल पड़े। गोवर्धन जी हाथ छुड़ा करके जाने की कोशिश करते हैं लेकिन मिहिरराज जी मानते नहीं हैं, पीछे पीछे रोते रोते जा रहे हैं। 12 वर्ष की अवस्था क्या ही होती है। तो वो रोते रोते जा रहे हैं कि मुझे मिलना है, मुझे देवचंद्र जी के दर्शन करना है। इस तरह से भागते भागते गांगजी भाई जी के घर पर अथवा देवचंद्र जी के घर पर, क्योंकि अब एक ही बात है। तो वहाँ पहुँचते हैं, गोवर्धन जी अब मिहिर राज जी को बाहर रोक के रखते हैं कि जब तक सदगुरु की आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं तुम्हें लेके अंदर नहीं जा सकता, तुम बाहर रुको। मिहिर राज जी बाहर रुकते हैं। अब अंदर जा करके देवचंद्र जी से पूछते हैं कि सदगुरु महाराज, मेरा एक छोटा भाई है, अभी तो 12 वर्ष की ही अवस्था है और रो रो करके पीछे पड़ा हुआ है, मैं इतने दिनों से रोक रहा था ये सोच करके कि छोटा बच्चा है, लेकिन आज नहीं माना और मेरे पीछे पीछे आया हुआ है, बाहर खड़ा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ले आऊं। तब श्री देवचंद्र जी कहते हैं कि जाओ मिहिर राज जी को बुला करके ले आओ, क्योंकि बाल वय वस्त आवत सो होवे पूरन काज। बाल्य अवस्था में यदि तत्व ज्ञान समझ में आता है, वास्तविकता समझ में आती है, तो उनका काम बहुत जल्दी बन सकता है, क्योंकि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। बड़ों के हाथ में होता है कि उन्हें कैसा बनाना है। उसी मिट्टी से हुक्का भी बनाया जा सकता है, उसी मिट्टी से दीपक भी बनाया जा सकता है, उसी मिट्टी से शीतल जल रखने वाला घड़ा भी बनाया जा सकता है। तो इसलिए बच्चों को बचपन से ही संस्कार दिया जाना चाहिए। और कहते हैं, ध्रुव को चरण भगवान के भय 5 वर्ष सो प्राप्त। ध्रुव भी तो बच्चे थे, 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था। इसी तरह से प्रहलाद का उदाहरण आप ले लीजिए, ध्रुव हो गए, प्रहलाद हो गए। चाहे जिन गुरु भक्तों की बात आती है या जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनमें से अधिकांश को तो बचपन से ही महानता के संस्कार मिले हैं अपने माता से, पिता से। कुछ एक लोग ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने अधिक उम्र में जाकर के शुरुआत की है।
इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े बुजुर्ग लोग 60 साल के बाद 70 साल के बाद शुरुआत नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग समाज में इसके उदाहरण भी हैं, पर सामान्य रूप में बचपन में जो संस्कार बीज रूप में हृदय में पड़ जाते हैं वे जल्दी से समाप्त नहीं होते, इसलिए बचपन से संस्कार देने चाहिए। अब गोवर्धन जी जाते हैं बाहर और मिहिर राज जी को लेकर के आते हैं। तब आए चरणों लगे सिर पर धरे हाथ, श्री देवचंद्र जी मिहिर राज जी के सिर पर हाथ धर देते हैं प्रेम से कि इसके अंदर परम धाम की आत्मा है, क्योंकि देवचंद्र जी के अंदर तो राज जी विराजमान है। अब इस प्रकार इंद्रावती जी अक्षराती धामधनी श्री राज जी के चरणों में पहुंचती हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। तो ये वो ऐतिहासिक दिन है जिससे ब्रह्मवाणी के अवतरण की भूमिका बनी, जिससे ब्रह्मवाणी हम तक पहुंची, जिससे श्री देवचंद्र जी के द्वारा प्रकट किया गया निजानंद संप्रदाय का सिद्धांत हम तक पहुंचा। तो आज के दिन अर्थात बीतक में जो प्रसंग चला है वह दिन कार्तिक महीने का, विक्रम संवत 1687 के कार्तिक महीने का ये जो प्रसंग है। अब जब आकर के श्री देवचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया, उसके बाद देवचंद्र जी की कृपा से उनके हृदय में जागृत बुद्धि का ज्ञान आना प्रारंभ हुआ। जैसे जैसे चर्चा सुनते गए उनके अंदर जागृत बुद्धि का ज्ञान आता गया। कहते हैं आए के चरणों लगे तब ही दई निध, तत्क्षिण हृदय मिने आए बैठी जागृत बुद्ध। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मिहिर राज जी की आयु बढ़ती रहती है, भिन्न भिन्न समय में अलग अलग दिनों में श्री देवचंद्र जी मिहिर राज जी को भविष्य की योजनाएं बताते रहते हैं। और क्या कहते हैं, जो सबसे बड़ी योजना थी उनकी वो ये थी, कहते हैं साकुंडल सकुमार ढूंढन की एकांत होए सुनाई बात, मूल स्वरूप उनके हंसत है वो खेल में है अपनी जात। कहते हैं कि सकुंडल और सकुमार की जो आत्मा है उनको ढूंढना है, उनके जो परात्म है वो मुस्कुरा रहे हैं, और परात्म के मुस्कुराने का क्या भाव है, जब हम सो रहे होते हैं या जब एक बच्चा छोटा सो रहा होता है नींद में, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रोता है, कभी वो चौंक जाता है, नींद में ही होता है। इसका कारण क्या है, उसकी सूरता। स्वप्न में यदि सुखद दृश्य देख रहा होता है, पूर्व जन्म की स्मृति के ही समझ लीजिए, पर दृश्य तो अभी देख रहा है, तो सुखद स्मृति को देख रहा होता है तो वो मुस्कुराता है। यदि किसी डरावने दृश्य को देखता है तो वो चौंक जाता है और रोता है। यदि कोई दुखद दृश्य है तो उस पर उसी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की उसकी जो भाव भंगिमा है वो स्वप्न में देखे गए दृश्य के आधार पर होती है। इसी प्रकार इन दोनों परात्म के हंसने अथवा मुस्कुराने की बात इसीलिए की गई है, ये संकेत किया गया मिहिर राज जी को कि ये दोनों जो ब्रह्मात्माएं हैं ये किसी बड़े कुल में, बड़े राज घराने में आई हैं, और यदि राज घराने में वो ब्रह्मात्माएं आई होंगी तो क्या होगा, उनके पास शक्ति होगी, उनके पास सत्ता होगी, और सत्ता शक्ति यदि धर्म से जुड़ जाए तो क्या होगा, बहुत तेजी से प्रचार होगा, है कि नहीं। आज तक इस संसार में जितने भी मत मतांतर का, जितने भी सिद्धांतों का प्रचार हुआ है, जब सत्ताधीन लोगों ने उस सिद्धांत को स्वीकारा है तो उस सिद्धांत का तेजी से प्रचार हुआ है। बौद्ध मत अपने समय में सबसे अधिक तेजी से क्यों चला, क्योंकि चाहे वो सम्राट अशोक हो, चाहे अपने अपने समय के भिन्न भिन्न राजा हो, उन्होंने उस संप्रदाय को अपनाया और फिर राजकोष के द्वार खोल दिए गए उस विचारधारा के प्रचार के लिए। इस्लाम के साथ भी ऐसा ही हुआ, राजनीति के साथ जुड़ करके, ईसाई मत के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो जहां सत्ता धर्म से जुड़ती है, जहां राजनीति और धर्म नीति एक हो जाते हैं, तो वहां धर्म का बहुत तीव्रतापूर्वक प्रचार होता है।
अब परम धाम का जो ज्ञान अवतरित हो रहा था, अभी तो चर्चा के रूप में ही हो रहा है, वाणी अवतरित नहीं हो रही है, पर ये जो ज्ञान है यदि किसी ऐसे राजा को प्राप्त हो जिसके अंदर परम धाम की ब्रह्म सृष्टि भी हो तो क्या होगा, इस ज्ञान का तेजी से प्रचार होगा और इतनी तेजी से होगा कि सभी ब्रह्म सृष्टियों तक ये बात पहुंचेगी और हम जल्दी से जल्दी परम धाम जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये सोच करके शकुंडल और सकुमार को जगाने का इशारा किया। फिर उन्होंने कुछ कतेब पक्ष का संकेत भी किया कि कतेब पक्ष में कुरान में भी परम धाम की इशारतें, परम धाम के संकेत किए गए हैं। हमने उसको पढ़ने का प्रयास तो किया पर इन कट्टर शरीयती मुसलमानों ने हमें यह कह करके पढ़ने नहीं दिया कि ये दूसरे संप्रदाय के लोगों के लिए नहीं, ये काफिरों के लिए नहीं है, इस तरह से इन्होंने मना किया। जबकि हमें राज्य ने ये स्पष्ट कर दिया कि खोजीबाई जो कि मुस्लिम स्त्री है लेकिन उसके अंदर परम धाम की आत्मा है, उसके अंदर परम धाम की रई बाई की वासना है। इस तरह से श्री देवचंद्र जी ने कहा कि मुसलमानों में भी कुछ कुछ एकाध गिनी चुनी ब्रह्मात्माएं हैं। आज मैं तुमसे ये बात बीज रूप में कह रहा हूं, भविष्य में यही बात तुमसे जाहिर होगी, प्रकट होगी। इस तरह से ऐसी एक नहीं अनेकों बातें, परम धाम की अनेक इशारतें उन्हें सुनाई। सुन करके मिहिर राज जी ने ग्रहण भी किया, बीज मात्र इन लीला को सो पायो उस बखत सब। उस समय तो केवल बीज रूप में उन्होंने प्राप्त किया, ग्रहण किया, लेकिन उनके हृदय में जो बीज पड़ा हुआ था, इंद्रावती जी क्या कहती हैं, खासी जान खेड़ी जिमी जल सींचिया खसम, बोया बीज वतन का सो उग्या वाही में रसम। बीज भी हर जगह पर पड़ा हुआ अंकुरित नहीं होता है। बंजर जमीन पर आप बीज डाल देंगे तो अंकुरित नहीं होगा, लेकिन इंद्रावती जी का हृदय परमधाम के अंकुर के कारण, परमधाम के निस्बत के कारण ऐसा क्षेत्र बना है कि वहां ज्ञान का जो बीज पड़ा है अब आगे उस तन से तारतम वाणी के अवतरण के रूप में वृक्ष बनता है और जिस वृक्ष का फल है जागनी। इस तरह से अब बहुत सारी बातें श्री देवचंद्र जी के माध्यम से सुनते हैं। प्रतिदिन दोनों भाई मिलकर चर्चा सुनने जाते हैं, नित यों चर्चा सुनत हैं, मिल के दो भ्रात दो प्रेम में भीगे रहें, करें मूल निस्बत विख्यात। दोनों भाई प्रेम में डूबे हुए हैं, मूल निस्बत की बात करते हैं, केवल यहाँ के निस्बत की नहीं कि दोनों भाई हैं तो भाई वाला प्रेम है, ऐसा नहीं है, भाई वाला प्रेम तो है ही, लेकिन साथ में मूल निस्बत परम धाम की ब्रह्म सृष्टि के कारण भी प्रेम है। घर से चले दो मिलके आवे मिलकर साथ, दोनों साथ में जाते हैं साथ में आते हैं, बाध्यो चित्त अति हेत सो दो नाते की बात। दो प्रकार का संबंध है, देखिए ब्रह्मवाणी और बीतक हमें जीवन के हर पहलुओं से जोड़ती है, जीवन के हर पहलुओं को अच्छा बनाने के लिए प्रेरित करती है। चाहे वो बड़े बड़े प्रचारक हो, ज्ञानी लोग हो, चाहे वे बड़े बड़े धनाढ्य आर्थिक सेवा करने वाले लोग हों या फिर शारीरिक परिश्रम करने वाले लोग हों, उनका बाहर के जो संबंधी हैं उनके साथ तो प्रेम का व्यवहार होता है, ये सोच करके कि ये परम धाम के सुंदर साथ हैं, पर घर के जो लोग होते हैं उनके साथ में कुछ रूखा सा व्यवहार होता है, जबकि दोनों ही तो सुंदर साथ हैं ना। तो इसलिए दो नाते की बात हमें ये शिक्षा देती है कि हमें दोनों संबंध को निभाना चाहिए। हाँ, इस बात पर मोह भी नहीं होना चाहिए कि नहीं इनसे तो हमारा डबल रिश्ता है तो इनसे हम ज्यादा प्यार करेंगे, बाकी जो बाहर के सुंदर साथ है उनसे कम करेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पर यह भी ना हो कि जो घर के बाहर के सुंदर साथ हैं उनके साथ प्रेम से बात हो और जो घर के अंदर के सुंदर साथ हैं उन्हें हम, एक होता ना घर, वो घर का जोगी जोगना, इस प्रकार से बात ना हो, इस प्रकार के संबंध ना हो। ये बात हमें
गोवर्धन जी और मिहिरराज जी के प्रसंग से सीखने को मिलती है। अब एक दिन दोनों भाई इसी क्रम में चर्चा सुन करके गांगजी भाई जी के घर से लौट रहे थे। जब लौट रहे थे तो उन्होंने देखा बड़े भाई सामल्य ठाकुर स्नान कर रहे थे। नहाते नहाते बोल पड़े कि तुम दोनों भाई बिगड़ चुके हो, घर के कामकाज से कोई लेना देना नहीं है, दिन भर गांगजी भाई और तुम्हारे जो गुरु हैं उनकी संगति में रहते हो, मैं पिताजी से कह करके दोनों को शहर से निकलवा दूंगा, तब तुम सुधरोगे। अब होता क्या है कि जब तक मिहिरराज जी को और गोवर्धन जी को डांट रहे थे तब तक उन्होंने सुना, लेकिन जैसे ही गुरु जी की बात आई, जैसे ही सदगुरु पर बात आई तो उनसे नहीं सुना गया, और होना भी ऐसा ही चाहिए। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि गुरु यत्र परिवादो निंदा वापी प्रवर्तते कर्णो तत्र पिधातव्यो गंतव्यम वा ततो अन्यतः। जहां पर गुरु की निंदा हो रही हो तो वहां पर या तो आप विरोध कीजिए, या अपने कान बंद कीजिए, या फिर वहां से उठ करके चले जाइए। अगर विरोध कर सकते हैं तो विरोध कीजिए, अगर नहीं कर सकते तो कान बंद कर लीजिए, और ये भी नहीं कर सकते तो वहां से उठ करके आप चल दीजिए, लेकिन गुरु की निंदा मत सुनिए। अब यहां तो सतगुरु हैं, और सतगुरु भी जिनको राज्य के रूप में पहचाना है तो उनके बारे में कैसे सुन सकते थे। अब दोनों भाई गुस्सा होकर के मारने के लिए दौड़े, माता ने बीच बचाव करके उन्हें छिपाया, और जब पिताजी शाम को अपने दरबार के कार्य से फारिग होकर के फुर्सत होकर के आए घर, तो घर आकर के कहते हैं कि आप दिन भर बाहर के मामलों का तो निपटारा करते हैं, क्योंकि ये तो दरबारी थे जामनगर के राजा के, तो उन्होंने कहा कि आप दूसरों के मामले तो निपटाते रहते हैं, अब घर पे घर का जो मामला है उसको सुलझाइए। आज दो भाइयों ने मिलकर के अपने बड़े भाई को मारने की कोशिश की। जब केशव ठाकुर ने ये बात सुनी तो कारण पूछा, कारण पता चला कि इन्होंने सदगुरु को ऐसा कहा। अब दोनों का पक्ष सुना, सामल्य ठाकुर का पक्ष ये है कि इन्हें वहां जाने न दिया जाए, और दो भाइयों का पक्ष यह है कि हमें जाने से न रोका जाए। अब पिताजी क्या करें, बेचारे बीच में फंस गए, किसका पक्ष लें, तो उन्होंने बीच का रास्ता निकालने का सोचा कि दोनों के अहम को ठेस भी ना पहुंचे और बात भी बन जाए, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। तो इसलिए उन्होंने दोनों भाइयों से कहा कि देखो, आप लोग जिनके पास कथा सुनने जाते हो उन्होंने भी तो किसी और से कथा सुनी है, वो जानते थे इस बात को कि कांजी भट्ट जी के यहाँ वे चर्चा सुनते रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग सीधे भट्ट जी के पास क्यों नहीं चले जाते कथा सुनने के लिए, क्योंकि उन्होंने देवचंद्र जी को कथा सुनाई, तो तुम वहां जाओ और वहां पर श्याम जी के मंदिर में उनकी चर्चा सुनो। दोनों भाइयों ने कहा कि हमारे कुछ प्रश्न हैं, यदि उनका जवाब दे देंगे तो हम हमेशा के लिए वहीं पर चर्चा सुनने जाना प्रारंभ करेंगे, और यदि उन्होंने जवाब नहीं दिया फिर आप लोग हमें नहीं रोकोगे। पिताजी ने सोचा कि भट्ट जी तो इनके गुरु के भी गुरु हैं, तो ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी 12 साल के, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भट्ट जी को प्रश्न का उत्तर ना आए। उन्होंने कहा ठीक है, वे भट्ट जी के पास लेकर के गए और जाकर के कहते हैं कि भट्ट जी, मेरे ये पुत्र हैं और आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं। भट्ट जी ने कहा पूछिए। तो भाइयों ने प्रश्न पूछा, कहते हैं भट्ट कितने गुण के लोग, तत्व कहो कितने सही कितने प्रलय अलोक, कि गुण कितने हैं, लोक कितने हैं, तत्व कितने हैं, प्रलय कितने हैं। भट्ट जी कहते हैं तीन गुणते चौथो गुण नहीं, तीन गुण हैं सत्व रजो और तम, उसके अलावा चौथा गुण नहीं है। नहीं पांच ते छठो न तत्व, पांच तत्व हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, छठा तत्व नहीं है।
14 ते लोक नहीं 15 मो, लोक 14 हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, भूलोक भूअर लोक स्वर्ग लोक महर लोक जन लोक तप लोक और सत लोक, ये 14 हो गए, 15वां कोई लोक नहीं है। और प्रलय 4 हैं, सत 4 प्रकार के प्रलय हैं। 4 प्रकार के प्रलय कौन कौन से? नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और महाप्रलय। तो ये 3 गुण 5 तत्व, 14 लोक और 4 प्रकार के प्रलय हैं। अब बताइए। तो भाई अब काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं। पहले तो प्रश्न था, अब उनके उत्तर पर प्रति प्रश्न जिसको कहा जाता है कि आपकी बात तो सही है, अब बताइए कि परब्रह्म कहाँ रहते हैं। भट्ट जी कहते हैं क्षीर समुद्र में एक अक्षय वट है, वट मतलब बरगद, तो अक्षय वट के एक किसी पत्ते पर अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके रहते हैं। अब भाइयों ने प्रश्न पूछा कि आपने कहा कि 4था गुण नहीं है, 6ठा तत्व नहीं है, 15वां लोक नहीं है और 5वां प्रलय नहीं है। तो ऐसे में आप बताइए कि जब महाप्रलय में 3 गुण 5 तत्व और 14 लोक का नाश हो जाता है, तो ऐसे में वो जो क्षीर सागर की आप बात कर रहे हैं, वो क्षीर सागर कहाँ पर है और क्या वो महाप्रलय में रहता है? अब कहने लगे नहीं, क्षीर सागर तो पाताल में है, पाताल आता है 14 लोक के अंदर, तो महाप्रलय में उसका भी नाश हो जाएगा। अब जब ये बात कही दो बालकों ने तो कहते हैं तब भट्ट की सुदबुद्ध कही गई, कही ए जवाब ब्रह्मा से न होए। अब उनकी सुध ही चली गई कि ऐसे ऐसे बच्चे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछे थे। भट्ट जी ने कहा कि इन प्रश्नों का उत्तर तो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। तब अब पिताजी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं शर्त हार गया हूँ, तुम्हें अब जहाँ जाना है जाओ सुनने के लिए, क्योंकि अब तुम्हें मैं नहीं रोकूंगा। क्योंकि पिताजी भी समझ गए कि देवचंद्र जी भले ही लौकिक दृष्टि से देखने पर भट्ट जी के शिष्य हैं, पर अब देवचंद्र जी वो देवचंद्र नहीं रहे। एक कहावत कही जाती ना, गुरु गुड़ और चेला चीनी, तो कुछ ऐसे ही बात हो गई है। तो इस प्रकार नौतनपुरी में अब इस प्रकार मिहिरराज जी और गोवर्धन जी को किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होती है। अब इस प्रसंग में थोड़ा सा आपको ये समझने की आवश्यकता है कि ये जो अंगुष्ठ मात्र रूप में परब्रह्म के रहने की बात की गई है उसका कारण क्या है। वास्तव में धर्म ग्रंथों में केवल इस बात का इशारा किया गया है कि परब्रह्म हमारे हृदय में रहता है, और हृदय का जो स्थान बताया गया है, जब हम अपने हार्ट के बारे में बताते हैं हृदय के बारे में, तो इसको मुट्ठी के रूप में दर्शाते हैं, और लोग इसको स्थूल हृदय से समझते हैं कि परमात्मा जो है वो स्थूल हृदय में होगा। वास्तव में तो इस स्थूल हृदय में नहीं है, ये जो स्थूल हृदय है वो तो मांस और रक्त का लोथड़ा है, उसमें परब्रह्म नहीं है। लेकिन अब संसार में अब एक बताने के लिए कि हृदय में रहता है तो कहाँ पर रहता है, तो सब इसी स्थूल हृदय को समझते हैं। जो सूक्ष्म हृदय है उसका स्थान आप नहीं बता सकते, क्योंकि सूक्ष्म जो वस्तु है वो स्थूल के साथ में आप तुलना नहीं कर सकते कि ये इधर बुद्धि में रहता है कि यहाँ पर हार्ट में रहता है कि किडनी में रहता है, उसका प्रभाव पूरे शरीर में है जो सूक्ष्म हृदय है। पर स्थूल हृदय हृदय जो कि रक्त को संचालित करने का काम करता है, ब्लड पंप करने का काम करता है, उसमें परब्रह्म का वास नहीं है, ये केवल एक चिन्ह है समझने के लिए। तो लोगों ने उसी को समझाने के लिए पहले के जो ग्रंथकार हैं उन्होंने इस प्रकार का उदाहरण दिया कि अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके रहता है। तो अब उसके बाद वो निरंतर श्री देवचंद्र जी की चर्चा सुनने जाते हैं, और बरस 24 मास 10 ऊपर भय 5 दिन, 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन की अवस्था में देवचंद्र जी से मिलते हैं दोनों भाई साथ में।
और उसके बाद 24 वर्ष 10 महीना और 5 दिन अर्थात लगभग अगले 12 वर्षों तक या लगभग 13 वर्ष, मतलब यूं समझ लीजिए कि 12 वर्ष और कुछ महीने 13वां वर्ष चल रहा था। तो इतने समय तक दोनों भाई साथ साथ में रहते हैं, लेकिन गोवर्धन जी को राज्य का विरह बहुत अधिक होता है और वो अपना तन छोड़ देते हैं। इस प्रकार इस अवस्था के लिए श्री लालदास जी ने एक बात लिखी है जो सुनने पर या जिसको पढ़ने पर हम अपने अस्तित्व को समझ सकते हैं, अपनी वास्तविकता को समझ सकते हैं। क्या कहते हैं, 13 वर्ष माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहत हैं रमे बीच कौसर होज। अब गोवर्धन जी के धामगमन से पहले मिहिर राज जी ने एक लौकिक कार्य शुरू किया था कि वहाँ के राजा का जो वजीर था, मंत्री था, उसके वहाँ काम करना शुरू किया था। लेकिन गोवर्धन जी के धामगमन के बाद अब उनका मन भी उसमें नहीं लगा, मिहिर राज जी का भी, और उन्होंने वो काम छोड़ दिया। और उस काम को छोड़ करके मन में ये विचार करने लग गए कि जिस प्रकार श्री देवचंद्र जी वर्णन कर सकते हैं वैसा हम क्यों नहीं कर सकते। तो अब ये लगभग मिहिर राज जी की अवस्था 25 वर्ष की है और मैंने जो 13 वर्ष का वर्णन प्रारंभ किया था उसका भाव ये है कि मिहिर राज जी ने 12 वर्ष की उम्र से माया का कोई भी लगाव नहीं रखा, काम कर रहे हैं पर उसका लालच नहीं है, कोई प्रलोभन नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या कहा गया, लौकिक बोझ। लौकिक परिवार में उनका लगाव केवल किसके साथ है, गोवर्धन जी के साथ, बाकी के साथ तो लगाव भी नहीं है, एक केवल व्यवहार निभा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उसको लौकिक बोझ कहा गया। और हमारा लगाव राज जी के अलावा बाकी सबसे है और उसके बाद भी हम दावा क्या करते हैं कि हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हैं। हमें अगर कोई कह दे कि सुंदर साहब जी आप तो माया में फंस रहे हो, तुरंत बुरा लग जाता है, जबकि मिहिर राज जी के लिए कहा जा रहा है कि 13 वर्ष तक लौकिक बोझ में थे वो, जबकि उस समय तक श्री देवचंद्र जी की कृपा से उन्हें परम धाम का भी दर्शन हो चुका था, लेकिन मिहिर राज जी क्या चाहते थे, अपने बलबूते पर वो ये नहीं चाहते थे कि उन सदगुरु की कृपा से हो रहा है, वो अपने बलबूते पर जैसे देवचंद्र जी करते हैं उसी तरह से परम धाम का दर्शन करके वर्णन करना चाहते थे। कहते हैं कि हम आए हैं अरस्य भेजे परवर दिगार, हमें राज्य ने भेजा है और क्या हमारा राज्य के साथ में इतना भी नहीं चल सकता है कि हम परम धाम क्यों नहीं देख सकते अपनी इच्छा से। जब देवचंद्र जी दिखाते हैं तभी देख पाते हैं, जब वो देख करके वर्णन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, और यदि नहीं कर सकते तो इस बात को लेकर के मिहिर राज जी में ईर्ष्या नहीं है। मिहिर राज जी क्या सोचते हैं कि हम में कमी होगी, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी होगी, और सामान्य रूप से अगर हमारे साथ ऐसी कोई घटना हो जाए, मान लीजिए कि हमारा कोई सहपाठी है या सहकर्मी है वो हमसे आगे बढ़ जाए, उसको समाज में लोग थोड़ा ज़्यादा इज्जत देने लग जाए, उसके पास धन थोड़ा अधिक हो, तो हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमने कहाँ पर कमी की होगी। तो मिहिर राज जी ने अब अपने में कमी ढूंढना प्रारंभ किया। कहते हैं, पर हम में है अवगुण तिस वास्ते अंतराय, जब अवगुण हम काढ़ी तब क्यों ना देखें हम ताय। जब हम अपने अवगुण को समाप्त करेंगे तो क्यों नहीं देख सकते, देख के क्यों नहीं वर्णन कर सकते, इसलिए अब अपने अवगुणों को ढूंढने लगते हैं। उन्होंने देवचंद्र जी के द्वारा सुनी हुई कथा में किसी दिन भागवत के एक दृष्टांत को सुना था कि कलयुग सोने में रहता है, स्वर्ण में। उन्होंने अपने घर के जितने भी आभूषण वगैरह थे वे भी देवचंद्र जी के चरणों में ले जाकर के सौंप दिया कि मुझे कलयुग नहीं चाहिए। श्री देवचंद्र जी के सामने जाकर के बार बार पूछते हैं कि सद्गुरु महाराज मुझे आप अपने अवगुण, मेरे अवगुण बता दीजिए,
मेरे इंद्रियों के अवगुणों को आप निकाल दीजिए। देवचंद्र जी कहते हैं कि मिहिरराज, तुम तो परम धाम की निर्मल आत्मा हो, तुम्हारे अंदर कोई अवगुण है ही नहीं, तुम तो परम धाम की इंद्रावती हो। अब मिहिरराज जी थोड़े समय के लिए समझते हैं, फिर लगता है कि नहीं, सदगुरु सिर्फ मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अगर अवगुण न हो तो ऐसी बात ही नहीं होती। अब जब चर्चा सुनते हैं, कहते हैं सुनत श्रीमुख चर्चा श्री देवचंद्र जी की, जब चर्चा की चर्चा करत वस्त साथ आगे सब। देवचंद्र जी की चर्चा सुन करके उस चर्चा को वो सुंदर साथ के आगे जा करके भी वर्णन करते हैं, और जब वर्णन कर रहे होते हैं तो उस समय उनके मन में ये भाव आता है कि मुझे केवल सुनाना नहीं है, उसको क्या करना है, ए मोको जो कहत हैं मोहे चलना इन पर, मुझे उस पर चलना है। और इस प्रकार अब अपने अवगुणों को हटाने के लिए, समाप्त करने के लिए मन पर उन्होंने जुल्म करना शुरू किया। जुल्म का मतलब वैसे तो अत्याचार होता है, पर यहाँ जुल्म का तात्पर्य है मन पर नियंत्रण करना शुरू किया। और जहाँ नियंत्रण होता है ना उसको अत्याचार लगता ही है। जैसे बच्चों को यदि अनुशासन में रखने की कोशिश की जाए तो बच्चों को क्या लगेगा, वो एक गीता आया था ना कुछ समय पहले, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, तो बच्चों को ऐसा ही लगने लगेगा। तो मन भी हमारा ऐसा ही है, हमारी इंद्रियां भी ऐसी ही है कि अगर नियंत्रण में रखने लग गए तो लगेगा कि हम पर जुल्म हो रहा है। अब मिहिरराज जी ने क्या जुल्म करना शुरू किया, कहते हैं उतरता आहार घटाइया रहया पैसे भर दोए। धीरे धीरे करके उन्होंने भोजन कम करना शुरू किया, और कितना कम करना शुरू किया, 2 पैसे के बराबर। अब जहां 2 पैसे की बात आती तो इसके 2 तरह से अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ जो साधारण रूप से सुनने में आता है सब जगह पर कि 2 पैसे के वजन के बराबर ऐसा कहा जाता है, तो वैसे भी देखा जाए तो 2 पैसे का वजन जो होता है वो हल्का सा होता है, तो उन्होंने बहुत थोड़ा खाना शुरू किया। और इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि 2 पैसे में जितना भोजन आता था केवल उतना ही खाते होंगे, उस समय 2 पैसे का तो पैसे की कीमत थी। तो दोनों में से कोई भी अर्थ हो सकता है। इस पर तर्क भी किया जा सकता है, तर्क ये किया जा सकता है कि पैसा जो है वो वजन मापने का पैमाना नहीं होता है, वजन अगर दिखाना होता पैसे के बराबर वजन तो कुछ और भी पैमाना हो सकता था। लेकिन इसमें दूसरे भी तर्क बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि 2 पैसे में तो पेट भर खाना भी आता होगा उस समय में, तो इसलिए इस तरफ नहीं जाते हैं कि यहाँ 2 पैसे के बराबर का अर्थ क्या है। हम इसको इस तरह से समझते हैं कि उन्होंने भोजन अत्यंत अल्प कर दिया, और जब भोजन अल्प हुआ तो क्या हुआ, इंद्रियों का बल कम होने लगा, शरीर सूखने लगा। और अब जब भोजन कम कर दिया तो रजोगुण का तमोगुण का प्रभाव भी और कम होता गया। अब सात्विक अवस्था आ रही है, तो जब सात्विक अवस्था आ रही है तो जब देवचंद्र जी की चर्चा सुनते हैं, नैनो नीर झरत हैं जबलो चर्चा धाम, रंग जर्दी का आइया और न सूझे काम। जर्दी मतलब पीला, शरीर उनका पीला पड़ जाता है क्योंकि भोजन अब धीरे धीरे कम कर दिया, और उसके बावजूद भी अवगुण ढूंढते हैं। एक दिन उनको लगा, आभूषण का तो मैंने कह दिया, फिर एक दिन उनको लगा कि जैसे रास्ते पर चलते हुए कोई यार दोस्त मिलता था तो उनसे वो मुंह फिरा लेते थे, उनकी तरफ नहीं देखते थे, ये सोच करके कि इनसे मिलेंगे, बचपन के यार तो हैं लेकिन बात होगी तो किसकी बात होगी, माया की ही बात होगी, मुझे माया की बात नहीं करनी है, मुझे माया के लोगों से संबंध भी नहीं रखना है। इस तरह से वे रास्ता मोड़ लेते थे। और फिर कभी कभी बाजार में चलते चलते कोई अच्छी सामग्री, भोज्य सामग्री के सामने जाके खड़े हो जाते थे जानबूझ करके, भूख तो है लेकिन मन को खाने की लालसा होती है कि नहीं होती है, मन में लालच आता है कि नहीं आता है, ये सोच करके जानबूझकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। इस तरह से मन के साथ में वो
जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं। और ऐसा करते करते अब बहुत ज़्यादा कसनी होने लग गई, शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। तो बालबाई जी आकर के श्री देवचंद्र जी से कहते हैं कि सद्गुरु महाराज, मिहिरराज का शरीर सूख रहा है, कम से कम आप तो इस बात पर ध्यान दीजिए। एक भाई पहले ही जा चुका है, गोवर्धन जी का धामगमन पहले ही हो चुका है। तो कहते हैं एक भाई पहले ही चलिया, अब यह हुआ तैयार, तुम क्यों ना कहत हो डर नहीं लगत लगार। क्या आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लगता कि एक भाई जा चुका है दूसरा भी जाएगा? तो श्री देवचंद्र जी मिहिरराज जी से प्रश्न करते हैं कि मिहिरराज, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम मुझे बताओ, खुल करके बताओ। मिहिरराज जी कहते हैं कि आप मेरे अवगुण मुझे बता दीजिए। देवचंद्र जी कहते हैं कि आपने मेरी क्या पहचान की है? मिहिरराज जी कहते हैं कि सद्गुरु महाराज, जब मैं ब्रज की बातें सुनता हूं आपसे तो मेरी आंखों से अश्रुधारा बहती है, जब आप परमधाम की बात करते हैं तब भी आंखों से मेरे अश्रुधारा बहती है, लेकिन मैं केवल इतना चाहता हूं कि जिस प्रकार आप देख करके वर्णन करते हैं मैं भी ऐसा कर पाऊं। बालबाई जी कहते हैं कि तुमने सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी को, धामधनी को क्या पहचाना है? अगर तुम्हें इनके स्वरूप की वास्तविक पहचान होती तो कहते हैं कि जो पहचान होवे स्वरूप की, तो पलक न रहवे नैन, प्रदक्षिणा फिरता रहे और मुख ना निकसे बैन। अगर तुम्हें सच में देवचंद्र जी की पहचान होती तो तुम एक पल के लिए भी यहाँ से अलग नहीं होते, हमेशा इनकी परिक्रमा करते रहते, इनके चरणों के निकट रहते। और अब देवचंद्र जी कहते हैं कि मिहिरराज, अगर तुम्हें सच में मेरी पहचान है, मुझे धाम धनी के रूप में देखते हो, तो तुम मुझसे अलग मत होना, हमेशा मेरे पास ही रहना। और तुम्हारे अंदर इस कोई अवगुण है ही नहीं, जब है ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या कहूँ? और अगर इतने में भी तुम्हें संतुष्टि नहीं है, मेरे इतना कहने पर भी तुम्हें विश्वास नहीं है, तो तुम इतना समझ लो कि यह वस्त हुकम की, सो होवे एक ही ठौर, मोहे उठाए तुम बैठो पर ना होवे कहूँ और। ये तो राज्य के हुकम की शक्ति है जो मेरे से ये करवा रही है, और ये हुकम की शक्ति चौथे दिन की लीला में इस समय एक ही तन से लीला कर सकती है। अगर तुम भी ऐसा चाहते हो तो तुम्हें मुझे उठा करके तुम्हें बैठना पड़ेगा जिस जगह पर मैं हूं, अर्थात जब मेरा तन छूटेगा तभी तुम्हारे द्वारा इस प्रकार की लीला होगी। जब मिहिरराज जी ने ये बात सुनी तो उनको लगा कि ये मैं क्या करने जा रहा था, ये मैं क्या सोच रहा था। उसके बाद उन्होंने अपने अवगुण पूछना बंद किया। फिर बालबाई जी सोचती हैं कि इनको जो लगन लगी हुई है अभी बहुत ज्यादा, इन्हें कुछ समय के लिए माया में लगाया जाए। वैसे तो सदगुरु माया से निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन मिहिरराज जी तो माया से इतना निर्लिप्त हैं कि उनको जिंदा रखने के लिए माया में लगाना पड़ रहा है। हमारे साथ उल्टा होता है ना, हम माया से निकलना नहीं चाहते और मिहिरराज जी को जबरदस्ती उसमें लगाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जीवित रहने के लिए हमारे अंदर कोई ना कोई तृष्णा होना आवश्यक है, बिना तृष्णा के जीव जीवित रह ही नहीं सकता है, किसी भी तरह से जीवित नहीं रह सकता है। आप मिहिरराज जी की भी तक देख लीजिए, मिहिरराज जी अपना तन छोड़ रहे थे लेकिन संसारिक कार्यों में व्यस्त रखा इसी वजह से, अन्यथा हफ्से में भी वो छोड़ देते, लेकिन वहां जागने की जिम्मेदारी थी। एक सुंदर दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनके बारे में एक कथा मैंने पढ़ी थी और मैंने स्वामी जी की चर्चा में भी सुनी कि रामकृष्ण परमहंस को खाने का चस्का था। वैसे तो परमहंस तो कैसे होते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से ऊपर होते हैं, शरीर का आवास ही नहीं होता, फिर इंद्रियों से तो वो परे ही है। तो जिसको खाने का लालच हो वो कैसा परमहंस, ऐसा सामान्य इंसान सोच सकता है। लेकिन किसी ने उनको टोक दिया। क्यों टोका?
क्योंकि उनकी रामकृष्ण परमहंस की आदत थी, जब रसोई में कुछ बन रहा होता था वो जाते थे, जा करके बोलते थे आज ऐसा बना दो वैसा बना दो, अपने हिसाब से डिमांड करते थे। किसी ने उनसे टोका कि आप तो परमहंस हैं, आपको ये खाने की चीज़ की डिमांड नहीं करनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। तो रामकृष्ण जी कहते हैं कि देखो, मुझ में और किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं है, यदि मैं इस चीज़ को भी छोड़ दूंगा तो मेरा तन रहेगा ही नहीं, इसीलिए मैंने केवल जो काम मुझे मेरी माँ ने सौंपा है, माँ मतलब वो देवी को माँ कहते थे, तो देवी के वो परम भक्त थे, तो जो काम मेरी माँ ने सौंपा है उसको करने के लिए शरीर जीवित रहना आवश्यक है, मैं केवल इसीलिए इन सब चीज़ों में अपने मन को लगाए रखता हूँ, अन्यथा मैं बाहर का दुनिया का कोई काम नहीं कर पाऊंगा। तो मिहिर राज जी को भी, क्योंकि अभी समय नहीं हुआ था, देवचंद्र जी की लीला अभी चल रही थी, तो इसलिए मिहिर राज जी को जीवित रखने के लिए माया में थोड़ा सा उलझाना आवश्यक था। इसीलिए अब बालभाई जी ने योजना बनाई, बालभाई जी की योजना के आधार पर श्री देवचंद्र जी ने उन्हें गुजरात भेजा। गुजरात अर्थात उस समय केवल अहमदाबाद को गुजरात कहा जाता था, तो अहमदाबाद भेजा गया एक बहाने से उन्हें पुराण संहिता और माहेश्वर तंत्र नामक ग्रंथ लाने के लिए भेजा गया। अब नौतनपुरी से अहमदाबाद, अथवा आज के हिसाब से जामनगर कहें या नौतनपुरी कहें, वहाँ से अहमदाबाद जो है वो मेरे विचार से 450 किलोमीटर के आसपास होगा शायद। अब उस समय क्योंकि पैदल यात्रा अथवा घोड़े की सवारी होगी या फिर बैलगाड़ी होगी, तो इस तरह से इसमें इतनी दूरी तय करने में कम 10-15 दिन लगे होंगे, लेकिन इसके बाद फिर क्या करें। तो अभी वो समय नहीं आया था कि मिहिर राज जी को उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य करने दिया जाता, इसीलिए उनको थोड़ा और उलझाना था। इसीलिए अब सद्गुरु महाराज ने गांगजी भाई जी के साथ में विचार विमर्श किया। गांगजी भाई जी के एक भाई हैं, उनका नाम है खेता भाई। खेता भाई उस समय अरब में रह रहे थे, आज के हिसाब से इसको हम इराक समझ सकते हैं पहले, तो क्योंकि आज भी यूनाइटेड अरब कहा जाता है ना उधर के जो 7 देश हैं, तो उन्हीं में से किसी एक स्थान पर खेता भाई जो कि गांगजी भाई के भाई हैं, वो 25 वर्षों से काम कर रहे थे, कमा रहे थे, लेकिन केवल मायावी ही कमाई थी। गांगजी भाई सोचते हैं कि अगर उनमें परमधाम की आत्मा हुई और अगर उन्होंने तारतम ज्ञान को समझा तो उनके मन में भी सेवा भावना होगी, तो इतने वर्षों में जो धन कमाया होगा तो वो धन सुंदर साहब की सेवा में आता तो कितना अच्छा होता, ये सोच करके अब उन्हें खेता भाई को जगाने के लिए, खेता भाई को वापस भारतवर्ष ला करके उस सेवा से, उस धन से सुंदर साहब की सेवा करने के भाव से मिहिर राज जी को अरब भेजने का निर्णय लिया जाता है। अब मिहिर राज जी किस तरह से अरब जाते हैं, कैसे खेता भाई को जगाने का प्रयास करते हैं, पूरी तरह से माया में डूबे हुए जीव होने के कारण किस तरह से खेता भाई कुछ समझ नहीं पाते, कैसे अचानक से उनकी मृत्यु होती है और किसी अनजान जगह पर जहां उनको पहचानने वाला कोई नहीं है, अनजान स्थान में जहां कोई मदद करने वाला नहीं, और वहां पर किस तरह से मिहिरराज जी विभिन्न प्रकार की परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना करते हैं और पुनः वापस आते हैं, और वापस आने पर किस तरह से सद्गुरु महाराज प्रणाम स्वीकार नहीं करते हैं, कैसे जिस सद्गुरु से एक पल जुदाई सहन नहीं कर सकते थे उनसे 9 वर्षों की जुदाई सहन करनी पड़ती है, ये सारी बीतक सुनेंगे हम कल। अभी के लिए समय पूरा होता है, चौपाई दुराई। श्री महामत कहे ए मोमिनो, सुनियो यह बीतक, आगे फिर कहत हूँ, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज।